हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश जिला किन्नौर की सांगला वैली में एप्पल सीजन चला था 2024 का, जो बहुत ही जोरों शोरों से चला था, जिसका अब आखिरी चरण पहुंच चुका है, मतलब आखिरी चरण तक पहुंच चुका है, यानी ख़त्म होने वाला है। आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने इस साल ऑनलाइन काम शुरू किया था अपने फॉलोवर के लिए एप्पल पहुंचाने का, जो कुछ टाइम तक चला, तो बीच में वो भी बंद हो गया। बंद भी नहीं हुआ, चलता रहा, लेकिन मैं अपने फॉलोवर से अच्छे से बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मदर एक्सपायर हुए थे, ये भी आप लोगों को पता है, जिस कारण मैं अपने मायके में थी 16-17 दिन से। तो 16-17 दिन के बाद अब मैं आई हूँ सांगला वैली में, तो बात करने का समय नहीं लगा और मेरे ऑनलाइन वाले जितने भी मेरे कस्टमर थे, मेरे फॉलोवर थे, बहुत परेशान थे। कईयों के बॉक्स पहुँचे, कईयों के नहीं पहुँचे, कईयों के ख़राब हो गए, कईयों के चोरी हो गए, कईयों के बॉक्स फटे हुए थे, कईयों के वापिस आ गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई जिसके द्वारा मैं आप लोगों को कोई ऐसी अपडेट देती कि हो क्या रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि मैंने जानबूझकर ये सब किया है, मैं आप लोगों से पैसे ले रही हूँ ऑनलाइन और आप लोगों को एप्पल गलत यहाँ से भेज रही हूँ, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगी। तो हमारी सांगला वैली के जो ऑर्गेनिक और एकदम ओरिजिनल एप्पल है, वही मैं आप लोगों को पहुँचा रही थी। जैसे मैं पेड़ से तोड़ रही थी, वैसे ही आप लोगों को पैक करके आप लोगों तक पहुँचाने का ये कार्य कर रही थी। तो बहुत से लोगों को ये डाउट था जिनको एप्पल सही से नहीं पहुँचे, तो इसमें किसकी गलती मानी जाए, किसकी नहीं मानी जाए, ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को भी पता ही है कि क्या काम है क्या नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को जा रही हूँ नीचे स्टोर में एप्पल दिखाने के लिए कि कौन से एप्पल आप लोगों को भेजे गए थे और कौन से स्टोर से आप लोगों को पैक किए गए थे। तो अपने स्टोर से फोर्थ फ्लोर में मैं जा रही हूँ जहाँ से आप लोगों को एप्पल पैक किए गए थे। तो यहाँ पे हमारे ग्रेडर भाई लोग सब है, वो भी बताएंगे कि कैसे एप्पल आप लोगों को भेजे थे। तो बहुत से लोगों को डाउट है कि हमारे को पता नहीं खराब एप्पल भेज दिए गए थे। तो ये एप्पल स्टोर है, अभी चला ही हुआ है यहाँ पे काम, और आज 5 नवंबर 2024 है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे पैकिंग की जा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ऑनलाइन मैं एप्पल आप लोगों को भेज रही थी, वो अब मैं बंद कर रही हूँ भेजना। तो इसके बाद मैं नहीं भेजूँगी क्योंकि बहुत बुरी तरह से आप लोगों तक एप्पल पहुँच रहे हैं। वो किस की कारण पहुंच रहे हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। पहले एप्पल आप लोगों को दिखा देती हूं कि किस तरह के एप्पल आप लोगों को भेजे गए और कैसी पैकिंग आप लोगों को यहां से भेजी गई थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हैं रॉयल एप्पल, जो इतना स्ट्रांग है कि उठाते ही हाथ में इसकी स्ट्रांगनेस पता चल रही है। जैसे बॉयल्ड आलू होता है उसकी तरह नहीं है, एकदम बढ़िया है, एकदम हार्ड जैसा जैसा होता है, जैसा हमें चाहिए होता है, क्रंची, क्रिस्पी और जूसी। तो ये वही एप्पल है जो आप लोगों को भेजे गए हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग, पैकिंग ये की जा रही है और यही एप्पल आप लोगों को भेजे गए। हाय बोल रहे, हाय हाय, राधे राधे। तो यहाँ पे हमारे ग्रेडर भाई लोग, राधे राधे जी, राधे राधे जी, यहाँ देखिए सब लोग राधे राधे। तो लगे हुए यहाँ पे एप्पल पैक करने के लिए। तो ये एप्पल तो थोड़ा छोटा, कौन सा साइज है ये वैसे? ये 200 वाला, 200 वाला है ना? तो ये सबसे छोटा स्मॉल साइज है जो अभी पैकिंग किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं पैकिंग इसकी एकदम फिटिंग वाली। तो जो हम लोग इस तरह से एप्पल पैकिंग कर रहे हैं, ये हम मार्केट तक ले जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में इस तरह से आप लोगों को पैकिंग भेजनी थी, नहीं भेजनी थी, इसका मुझे आइडिया नहीं था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन एप्पल भेज रही हूँ और मैंने आप लोगों को वही एप्पल भेज दिए जैसे हम लोग मार्केट तक पहुँचाते हैं। तो इसकी पैकिंग कुछ अलग तरीके से होनी थी, इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे बहुत से जो फॉलोवर है, क्या आप बताएंगे, मेरे बहुत से फॉलोवर ना बाहर ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ के जो एप्पल है वो मोम वाले होते हैं, स्प्रे होती है, इस तरह से, ऐसा होता है क्या? लगता है आपको? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सेब होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो वही मैं समझा रही हूँ इनको कि हमारे जो किन्नौर के एप्पल है इसमें किसी भी तरह की कोई स्प्रे नहीं होती है, ना ही इसमें कोई कलर स्प्रे किया जाता है, ना ही कोई मोम लगाया जाता है शाइन के लिए। ये एकदम नेचुरल शाइन है जो आप लोगों को दिखाई जा रही है, और यही एप्पल आप लोग
लोगों को मार्केट तक भेजे गए हैं। तो मैं बहुत बार आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी बाहर से जो स्प्रे होती है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकाई होती है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये शाइन कर रहे हैं एप्पल। तो आप लोगों को छोटा नहीं, आप लोगों को मीडियम साइज मैंने भेजे थे, मीडियम साइज के एप्पल। वैसे पैक हो चुके हैं अभी सारे, है ना, है मीडियम साइज। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो मीडियम साइज मैंने आप लोगों के लिए भेजे थे, तो ये दिखाते हैं ना, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह के मैंने, हाँ ये मीडियम, ये देखिए। तो यही साइज मैंने आप लोगों को भेजे हुए मीडियम वाले साइज के एप्पल, तो देख सकते हैं आप लोग। और यही सेब, यही कलर भेजा है। रास्ते में आप लोगों के एप्पल मुझे लगता है कि चेंज हो गए हैं, तो किसी ने ये गड़बड़ कर दी है हमारे एप्पल बॉक्सों के साथ, बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी है। बाय गॉड, सच में ऐसा हो गया है। जो वहां पे लोगों ने एप्पल दिखाए ना, वो बिल्कुल अलग दिखा दिए उन्होंने। और तभी तो बोल रही हूँ, आप बताइए कि आपने यही भेजे है ना, यही भेजा उस दिन, हाँ यही भेजा है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने यही एप्पल भेजा है। और जो रास्ते में लोग मुझे बाद में फोटो भेज रहे हैं कि आपने इस तरह के एप्पल कैसे भेज दिए। मैंने आप लोगों को एकदम जो ब्लैक कलर के सेब होते हैं रॉयल, वही आप लोगों को भेजे हैं। आप लोग देख सकते हैं यही कलर आप लोगों को भेजा है, नहीं तो ऐसी गड़बड़ हमारे तो यहाँ पे हिमाचल में बिल्कुल होती नहीं है। और आप लोगों को पता है कि हिमाचल वाले कितने साफ दिल के होते हैं, होते तो कि नहीं होते के लिए भी होती है, वही बोल रही हूँ। मतलब ऐसी गड़बड़ तो हम जानते भी नहीं है करना, जैसी आप लोग मुझे दिखा रहे हो। लोग मुझे जो दिखा रहे थे मोम को छुरी से निकालते हुए दिखा रहे थे, लगा इसमें मोम को ही दिखाओ, इसमें कोई भी मोम नहीं लगा है। देखो एकदम बढ़िया वाले सेब हैं। तो ये देखिए ऐसे सेब है जो एकदम नेचुरल है, किसी भी तरह का मोम नहीं। और लोग मुझे छुरी से मोम निकाल के इस तरह से दिखा रहे कि ये आपने एप्पल भेजे हैं। मैं ऐसे एप्पल में जानती भी नहीं हूँ कि मोम भी लगता है एप्पल में, कभी मैंने देखे भी नहीं है ऐसे एप्पल, ना हमने खाए हैं ऐसे एप्पल। तो आप लोग कौन से एप्पल मुझे दिखा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये थे आप लोगों के एप्पल जो हमने पैक किए हुए। खैर अब तो मैं नहीं भेज रही हूँ, इस साल में बंद कर रही हूँ। अब नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़े अच्छे बॉक्स आप लोगों को भेजूंगी। ये तो हमारे मार्केट तक जाते हैं बॉक्स, जो एक गाड़ी में पैक होते हैं और बस मार्केट में पहुँच जाते हैं। जो ऑनलाइन के लिए बॉक्स है ये वो बॉक्स नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पटकाएंगे, फिर तीसरी गाड़ी में, फिर चौथी गाड़ी में, तब जाके पता नहीं कितने गाड़ियों में पटक पटक के आप लोगों के पास पहुंचते हैं आके। और फिर वो एप्पल बॉक्स खुल जाते हैं, कोई एप्पल चोरी कर लेते हैं, कोई चूहों ने काट दिया एप्पल आप लोगों के। तो ये आप लोगों के ऑनलाइन वाले बताएंगे कि चूहे कैसे काट सकते हैं। सच में चूहों ने भी काट दिए एप्पल, ऐसा हो गया है पता नहीं क्या कर दिया लोगों ने, कि ऐसे ऐसे स्टोर है उनके ऑनलाइन वालों के कि जो चूहों ने भी एप्पल काट दिए और बहुत गंदे एप्पल आप लोगों तक। और जो गोल्डन एप्पल मैंने आप लोगों को भेजे थे वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि गोल्डन एप्पल कैसे मैंने भेजे थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यही गोल्डन एप्पल आप लोगों को भेजे थे, बस साइज में थोड़ा फर्क था। ये थोड़ा बड़ा साइज है, गिर ना जाए कहीं, ये देखिए। तो ये एप्पल आप लोगों को तक भेजे थे, लेकिन रास्ते में कुरियर वालों ने बहुत टाइम लगा दिया इनको आप लोगों तक पहुंचाने में, जिस वजह से कुछ खराब हो गए, सड़ गए और कुछ चूहों ने काट दिए। इस तरह से ये येलो एप्पल आप लोगों को मैंने भेजे थे, जिसमें ये रेड रेड कलर की ब्लशेस आप लोग देख सकते हैं, एकदम नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह की कोई कलर स्प्रे नहीं है, ना ही कलर पेंट है, कुछ भी नहीं है, ना ही मोम है। जो लोगों ने मुझे दिखाया है छुरी से निकालती हुई कि इसमें मोम लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही एप्पल, ओरिजिनल एप्पल आप लोगों तक पहुंचाए गए थे मार्केट में। तो मैं बोलूं तो क्या बोलूं, किसको दोषी मानूं, समझ नहीं आ। तो ये एप्पल थे आप लोगों तक जो हमने यहाँ से पहुंचाए थे, बस मेरी ये गलती रही है कि एप्पल बॉक्स मैंने वही भेज दिए जो हम यहाँ से मार्केट तक पहुंचाते हैं आप लोगों के लिए। जो ऑनलाइन एप्पल बॉक्स होने थे वो बिल्कुल बंद होने थे, तो तब जाके आप लोगों तक ये पहुंचने थे। तो हमारे थोड़े से यहाँ से खुली खुली खिड़कियाँ भी रहती है देखने के लिए, तो लोगों ने, हाँ सच में खिड़की, मैं तो खिड़की बोलती हूँ इसको, हमारे एप्पल ग्रेडर भाई हंस रहे कि क्या बोल रही हूँ। हवा के लिए होती है, हाँ खिड़की, खिड़की हवा है, वेंटिलेटर, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चलो थोड़ा बीच में मजाक भी हो ही जाता है, पर जो आप लोगों के एप्पल है वो इन्हीं बॉक्सों में भेजे हैं बंद करके, एकदम ईमानदारी से मैंने भेज दिए। लेकिन रास्ते में ऐसी बेईमानी हुई है हमारे यहाँ किन्नौर के एप्पल के साथ कि आप लोगों तक वो एप्पल ढंग से पहुँचने नहीं दिए। तो इसके लिए जिम्मेवार हमारा जो डिलीवरी कुरियर, जिससे मैंने आप लोगों को ये एप्पल भेजे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेवार है कि उन्होंने पेमेंट ली 600 से 700 के बीच में आप लोगों तक ये एप्पल पहुंचाने की
जो पेमेंट ली है, पैसे लिए हैं, उन्होंने उस तरीके से वो एप्पल आप लोगों तक सेफ नहीं पहुंचाए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम वो कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें। ये नहीं कि लोगों ने पैसे भर दिए और उनके साथ बहुत धोखाधड़ी की जाए, तो ये बहुत गलत बात हो गई है। अपने आप को भी दोषी ये मानती हूँ कि जो मैंने एप्पल बॉक्स आप लोगों को भेजे उसमें मैंने बाहर से वो कवर नहीं लगाया जो लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आप लोगों तक ये एप्पल पहुँचाने का, जो मेरा थोड़ा सा ख़राब रहा। तो बहुत से लोगों के अच्छे भी पहुँचे और बहुत से लोगों के ख़राब भी पहुँचे हैं एप्पल, तो वो जिनके अच्छे पहुँचे उनके अच्छे वो भी आए मुझे रिव्यू, बहुत अच्छा उन्होंने रिव्यू दिया है कि मैम बहुत अच्छे एप्पल थे बहुत, बल्कि उड़ीसा वालों का भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था, और कुछ मेरे जो ऑफलाइन आए थे यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ से एप्पल लिए थे, उनके भी अच्छे रिव्यू आए। कुछ एक का पहुँचा नहीं, जैसे कि कर्नाटक वालों का जो पार्सल था वो थोड़ा देरी से पहुँच रहा था, पहुँचना कर्नाटक में था लेकिन अटक गया बिहार में, इस तरह से बहुत सी गड़बड़ हुई है। और जिनका चंडीगढ़ वालों का पार्सल पहुँचना था चंडीगढ़ में और पहुँच गया नोएडा में जाके, तो एड्रेस बिल्कुल सही था लेकिन ये डिलीवरी वालों ने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है काम। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है डिलीवरी वालों से, कंपनी से, कि कृपया करके अगर आप लोग लोगों से पैसे ले रहे हैं एप्पल ये सामान पहुंचाने का, तो उस कार्य को बखूबी निभाएं, अच्छी तरह से निभाएं ताकि आपके ऊपर विश्वास कर सके। मैं तो थोड़ा विश्वास अब कम ही कर रही हूँ क्योंकि सच में मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, और मैं तो सदमे में भी जाने वाली थी जिस तरह से लोगों के रिव्यू आ रहे थे कि आपने मैम एप्पल अच्छे नहीं भेजे। मैं पूरा 100% यहाँ से पूरी गारंटी देती हूँ कि मैंने आप लोगों को यही एप्पल भेजे थे जो आप लोगों तक मार्केट तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की थी, तो क्या बोले समझ नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह की हालत कर दी गई थी हमारे किन्नौर के एप्पल की जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन भिजवा रही थी, और बहुत से लोगों का मेरे लिए ये कहना था कि मैम आपने पैसों के लिए ये सब किया, हमारे साथ धोखा किया, अगर पैसों का इतना लालच मुझे होता तो मैं दुकान से भी अपनी इतनी सेल करती हूँ एप्पल की जो मुझे ऑनलाइन भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा यहीं से इतना सेल हो जाता है एप्पल की ऑनलाइन में इतना कष्ट इतना स्ट्रगल करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर ये सब मैंने आप लोगों के लिए मेरे फॉलोवर के लिए उनके प्यार के लिए ये सब किया है कि मैं आप लोगों तक हमारे किन्नौर के एप्पल पहुंचाऊं, एकदम शरीफी में आके आप लोगों को जो एप्पल हम मार्केट तक भेजते हैं एक ही गाड़ी में वो मैंने ऑनलाइन में भेज दिया, वो मेरी गलती रही है। मुझे एप्पल बॉक्स कोई दूसरा चूज़ करना चाहिए था, अच्छे से एप्पल बॉक्स लेना चाहिए था, तो बस इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट ईयर से जब मैं ये काम करूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी पर बहुत अच्छे तरीके से करूँगी, तो फिर भी आप लोगों को मैं एप्पल पहुँचाऊँगी जो मुझसे लेना चाहते होंगे। बाकी आप लोगों की कमेंट सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, आप जो भी कुछ बोलोगे मैं सर झुका के आप लोगों के गुस्से को स्वीकार करती हूँ। आप लोग कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है, उनके एप्पल सेफ नहीं पहुँचे हैं, तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली थी कि मेरे फॉलोवर के लिए साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि उनको एप्पल एकदम बुरे पहुँचे हैं, अच्छे नहीं पहुँचे हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर से आप लोगों को एप्पल अच्छे पहुँचाऊँगी। और आज का ब्लॉग भी मैं यही दी एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय ऑल।